मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में ईद के मौके पर पेश की गई अनूठी मिसाल। नमाज अदा करने के बाद घर लौटते लोगों पर और व्यापारियों ने की फूलों की बारिश। अयोध्या में भी गंगा जमुनी तहजीब के साथ मनाया जा रहा ईद का त्यौहार। सुबह की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग त्यौहार के जश्न में डूबे, एक दूसरे को दे रहे ईद की बधाई। वाराणसी में अक्षय तृतीया के मौके पर स्नान के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। अक्षय तृतीया पर है स्नान का खास महत्व। अक्षय तृतीया पर कई गृह शुभ फल देने वाले बना रहे योग। अक्षय तृतीया पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। साल में एक बार श्री बांके बिहारी देते हैं अपने भक्तों को चरण दर्शन। कासगंज में हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हो गए। बोलेरो और टेम्पो की आमने सामने की टक्कर की वजह से हादसा हुआ। संभल के सदीरनपुर गांव में ईद की नमाज के बाद चली ताबड़तोड़ गोलियां, बच्चे सहित 4 लोग जख्मी। फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया पुरानी रंजिश में फायरिंग के बाद। चंदौली में गैंगस्टर की बेटी की संदिग्ध मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार किया गया। मणिकर्णिका घाट पर युवती का अंतिम संस्कार हुआ। पुलिस कर रही जल्द कड़ी कार्रवाई करने का दावा। फिर से आगरा पहुंचे जगतगुरु परमहंस आचार्य। ताजमहल को बताया तेजो महालय, कहा शुद्धिकरण करके रहेंगे। प्रशासन ने परमहंस आचार्य को हिरासत में लिया। कानपुर में सामने आया बच्चा चोरी का सनसनीखेज मामला। सीसीटीवी में कैद हुई बच्चा चोरी की घटना। पुलिस पर लगा बच्ची का बरामद करने के लिए पैसे मांगने का आरोप। सोनभद्र के पन्नूगंज इलाके में ऑर्केस्ट्रा के गाने को लेकर हुए विवाद में घर वालों और बाराती पक्ष में हुई मारपीट। बाद में बारात में शामिल 30 साल के शख्स की मिली लाश। पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश। मुख्तार अंसारी के वकील दरोगा सिंह की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे कर्मचारियों को धमकाता दिख रहा दरोगा सिंह, लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। लखनऊ जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर बच्चा चोरी कर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 4 बच्चा चोरों को गिरफ्तार किया, इसमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल। भदोही में वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर बुआ जी का इनारा इलाके के पास 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा। तीर्थयात्रियों से भरी ट्रॉली और बोलेरो में हुई भीषण टक्कर में 18 लोग गंभीर तौर पर जख्मी। श्रावस्ती से बाराबंकी के कोटवा धाम जा रहे तीर्थयात्रा पर। संगम नगरी प्रयागराज के ननी इलाके के कनेल गांव में युवक को उसके जीजा ने गोली मारी। बहन की विदाई के लिए पहुंचा था युवक, गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। जौनपुर में सनकी शख्स ने 5 लोगों को गोली मारी, 1 शख्स की मौके पर मौत हुई। 4 लोग गंभीर तौर पर हुए घायल, गोली चलने की वजह साफ नहीं। ईद के पर्व और अक्षय तृतीया पर परशुराम जयंती के साथ 84 कोसी परिक्रमा को सकुशल संपन्न कराने के लिए गोंडा जिला प्रशासन की पहल। पैदल मार्च कर लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। अमरोहा में ईद के त्यौहार के लिए नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में उमड़ी नमाजियों की भीड़। 7:30 बजे सुबह पढ़ी गई नमाज, लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर बधाई दी। पीलीभीत के जिला अस्पताल कैंपस में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बाहरी बिल्डिंग के पास शॉर्ट सर्किट के बाद लगी थी आग। रामनगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। प्रदेश भर से आए जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक की। सतपाल महाराज ने कहा कि मंत्रियों को भी मिलना चाहिए अधिकारियों का CR लिखने का अधिकार। गाजियाबाद में किसान नेता राकेश टिकैत ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, कहा देश में लाउडस्पीकर को लेकर बनाया जा रहा माहौल, सबके साथ होनी चाहिए सम्मान कार्रवाई। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का कानपुर दौरा। स्मार्ट सिटी के लिए चल रहे काम का लिया जायजा। शहर के विकास के लिए अफसरों को दिए जरूरी निर्देश। अपने 16वें पड़ाव पर अल्मोड़ा पहुंची श्री गोलजू संदेश यात्रा, लोगों ने किया भव्य स्वागत। 5 मई को 26 पड़ाव के बाद घोड़ाखाल के गोलजीव मंदिर में खत्म होगी यात्रा।